फ्रेंड्स, स्वाति शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मेरी एक बहुत पुरानी ड्रेस विच वॉज गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड। तो ये बहुत ही स्पेशल है और इस ड्रेस में स्पेशलिटी क्या है ना कि दिस वॉज गिफ्टेड ईयर्स बैक, आई थिंक 15 ईयर्स हो गए हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एंड द साइज इज स्टिल द सेम। या तो एक्चुअली वो वेलवेट का कपड़ा है, वो उन्होंने ड्रेस मटेरियल दिया था जिसका मैंने कुर्ता सिलवाया था। तो सिंस वेलवेट स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है ना, तो प्रॉब्ली इफ आई माइट हैव गेन्ड वेट तो हो सकता है वो एडजस्ट हो गया होगा। तो लेकिन हम कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं कराए हैं, इट इज जस्ट द सेम। एंड आप लोगों को याद होगा ना कि बहुत ईयर्स पहले यू नो वेलवेट मटेरियल वॉज टू मच इन ट्रेंड, तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ दिस वेलवेट ड्रेसेस, ना शाइन एंड सॉफ्ट टेक्सचर रहता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आई हैड सो मेनी ड्रेसेस एंड मुझे इतना पसंद आता था ना कि इवन माई फ्रेंड्स यूज्ड टू गिफ्ट मी यू नो दिस वेलवेट की ड्रेसेस देती थी मेरी एनिवर्सरीज में, मेरे बर्थडेज में। तो वो लाइक दैट मेरे पास बहुत हो गया था, तो आई यूज्ड टू वेयर देम ऑल, बहुत पहने एंड देन फिर उसके बाद दे दिए, पुराना हो गया, रख दिए, रखे तो नहीं, सबको हटा दिए एंड ऑल दैट। बट ये ड्रेस जो हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे ना, वो सिंस इट वॉज गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड एंड उसकी टेक्सचर, कलर एंड शाइन इज स्टिल द सेम, दिस सेम। अगर आप हम आप लोगों को बताएं ना कि इतने पुराने, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। एंड पुराने ड्रेसेस तो आप लोग भी संभाल के रखती ही होंगी, साड़ी जो कॉस्टली साड़ी हम लोगों को मैरिज वगैरह में मिलते हैं, तो हम आप लोग भी संभाल के रखती ही होंगी। लेकिन इसमें क्या है ना कि साइज इज द सेम एंड यू नो द कलर इज वेरी नाइस, शाइन एंड टेक्स्चर एंड सो नाइस। तो बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि आप लोग के साथ शेयर करें। लेकिन हाँ, ये सलवार वगैरह जो होता है ना, नीचे सलवार That I have been changing according to trends, like कभी सलवार का फैशन आ गया तो उसके नीचे मैं सलवार सिला लेती थी, कभी चूड़ीदार का फैशन आ गया चूड़ीदार सिलवा लेते थे, कभी 3/4 प्लाजो वॉट एवर, कभी कभी कॉन्ट्रास्ट करके भी पहन देते थे, ब्लैक कुर्ता रहता था, समटाइम रेड लेगिंग्स बनवा लेते थे, खरीदते थे या सलवार बनवा लेते थे, कलर भी चेंज करते रहते थे। बट राइट नाउ जो मेरे पास है ना, वो मेरे पास ब्लैक लेगिंग्स में है, वो भी जो 3/4 आजकल चलता है, ब्लैक दुपट्टा है, वो हम पहन कर दिखाएंगे। तो देखिये मेरी हेयर इज स्टिल वेट, मेरी शावर हो गई है एंड यू नो मेरी पूजा भी हो गई, तो अभी चलते हैं किचन एंड देयर आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट। और आज थोड़ी सी लेट भी हो गई, यू नो वीडियो बनाना था तो यू नो कैमरा वगैरह सेट करना होता है एंड ऑल दैट। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते किचन आ गए। और हाँ, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इससे कुछ दिन पहले, आई मीन इधर लाइट की इश्यूज है, इधर कर लेते हैं कैमरा, ये कुछ दिन पहले यू नो आप लोगों के साथ शेयर किए थे माय होम टूर, एम्प्टी होम टूर, तो वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था, सो थैंक यू ऑल सो मच। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मेरे घर की बाहर की सराउंडिंग। अगर एक वीडियो में बनाते ना तो बहुत लंबा हो जाता था, थॉट कि सेपरेटली बनाएंगे। तो अब मेरे घर के चारों तरफ की सराउंडिंग, नीचे मेरी कैसी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड बहुत ही अच्छा, यू नो बीच में हमारी बिल्डिंग है एंड चारों तरफ यू नो गार्डन है, घूमने की जगह है, वो सब शाम में हम कराएंगे आप लोगों को। तो नाउ अब हम क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर आप लोगों को वो ड्रेस दिखाते हुए, कुर्ता दिखाते हुए, ब्लैक लेगिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड। एंड देन ये वीडियो शूट करने के बाद आई जस्ट चेंज माई ड्रेस बिकॉज बहुत स्पेशल है ना, आप लोगों को बताए थे ये पहनकर तो किचन जाएंगे नहीं, तो आई जस्ट चेंज माई ड्रेस एंड देन हम गए किचन में। तो आलू की भुजिया पहले ही बना चुके थे एंड देन रोटी बनाए एंड सिंस सुबह से वीडियो बनाए थे, मेरी ब्रेकफास्ट हुई नहीं थी तो दैट मेरी ब्रंच हो गई। तो ये आलू की भुजिया की भी रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आई गोना हैव इट। दिस इज द एंट्रेंस टू आवर प्रेमाइसिस। ये मेन गेट से हम लोग एंटर किए हैं
एंड बिल्डिंग्स आप लोगों को राइट हैंड साइड में दिख रही है. नॉट दिस इज अ स्ट्रेट रोड रोडी काइंड ऑफ थिंग एंड ब्यूटीफुल गार्डन. अभी फ्लावरिंग हुई नहीं है, फ्लावर होती रहती है. एंड दिस इज लॉन एंड बैठने की जगह है, किड्स की खेलने की भी जगह है. बेसमेंट में पार्किंग है. एंड देन स्ट्रेट जाने से अगेन दिस देयर इज अ टर्न. बीच में बिल्डिंग है एंड चारों तरफ रोड है. तो ये जो स्ट्रेट दिखा रहे हैं ना, स्ट्रेट जा करके अगेन फिर हम लोगों को राइट हैंड साइड टर्न कर जाना होता है. बीच में बिल्डिंग है, चारों तरफ वॉकिंग स्पेस है. एंड देखिए हम लोग इधर आ गए. एंड दिस इज़ द अदर साइड ऑफ आवर बिल्डिंग. और ये जो पॉइंट करके दिखा रहे हैं, दैट इज़ अ टेम्पल. गणेश भगवान की टेम्पल है, बड़ी सी टेम्पल है, क्वाइट बड़ी टेम्पल है. बहुत तरह की पूजा एंड बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं. इधर से भी पार्किंग है, यू नो. एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल प्लेस. एंड साइड में इतने गार्डन है, इतने बैठने की जगह है कि यू नो इट्स सो ब्यूटिफुल. सो दिस इज़ द, देखिए टेम्पल इज़ क्वाइट बिग, बैठने की स्पेस बहुत ज़्यादा है टेम्पल में. एंड ये कैमरा इन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, दिस इज़ द बैक साइड है. एंड अगेन कैमरा हम सामने कर रहे हैं. एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल टेम्पल. टेम्पल की अलग से आप लोगों को टूर कराएंगे, बहुत ही अच्छा है. और ये देखिए ये गार्डन है, लॉन है, बैठने की जगह है. यहाँ पे ऊपर यू नो बच्चे खेलते हैं. ब्यूटिफुल गार्डन एंड लाइटिंग्स वगैरह है. सो यू कैन सी ऑल. सो सी सॉ एंड स्लाइड्स फॉर स्मॉल किड्स. Yeah, a few kids still playing. And upar volleyball vagra khelte hain. And this is the space between our two towers. And chalte chalte hum log aa gaye hain. मेन यू नो एंट्रेंस में. अगेन फिर आप लोगों को साइड में फिर थोड़ी सी क्लोजअप में दिखा रहे हैं लॉन. एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू मेन एंट्रेंस. मेन गेट में हम लोग आ गए हैं. एंड इस राइट टर्न करेंगे हम लोग, फिर फ्रंट पार्ट में आ जाएंगे. एंड हम लोग अपने बिल्डिंग के अंदर एंटर करते ही एक सुपरमार्केट है, जहाँ पे सारी इसेंशियल्स आपको मिल जाएंगे. आपको बाहर जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. जितने बेसिक इसेंशियल्स हमारे किचन में रहते हैं वो है मिल जाते हैं. एंड दिस इज़ उसके जस्ट अपोजिट लॉबी है बैठने की. बहुत तरह की लॉबीज है. इधर है, फिर बैक साइड में अदर बिल्डिंग में है. दिस इज़ फार्मेसी. डॉक्टर यहाँ आते हैं अपॉइंटमेंट आप टाइम फिक्स की. एंड नाउ आई एंटर इनटू माय हाउस. And this is a supermarket. आप लोगों को दिखाई थे. I have to buy some groceries. So let me get inside and मैं कुछ खरीदती हूँ. Thank you. Well, this is in a supermarket and I just have to buy this. तो ये मैं ले ली. वो नीचे रहता है ना तो बहुत convenient होता है. And this is lobby. देखिए इस तरह से लॉबी है, बहुत तरह की लॉबीज है. एंड देन यहाँ पे देखिए मशीन भी है. सो ओवरऑल इट्स वेरी नाइस. या एंड ये मुझे किचन टॉवल भी खरीदना था. दैट आई हैव बॉट किचन टॉवल भी खरीदना था. एंड मेकिंग वीडियो. एंड दिस इज डॉक्टर्स फार्मेसी. आप लोगों को दिखाती हूँ. तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं एट होम. तो कैसा लगा आप लोगों को बताइए मेरी बाहर की हाउस टूर. तो चलिए अब अंदर चलते हैं. थोड़ी सी कैमरा इन्वर्ट करके थोड़ी सी फ्रंट की व्यू दिखाते हैं. दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग कॉरिडोर. एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना होता है. तो दीज आर वॉशरूम्स है. एंड दीज आर वेरी बिग हॉल्स. ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे बिग हॉल्स हैं, जहाँ अगर इवेंट करना होता है, किसी बर्थडे है, घर में पार्टीज है, तो वो करते हैं. करने के लिए बहुत ही अच्छा हॉल है. एंड दिस इज़ जिम, जो कि जितने लॉन्ग कॉरिडोर दिख रहे हैं उतने लंबे जिम है. और यहाँ स्विमिंग पूल भी है. तो वहाँ हम शूट नहीं किए बिकॉज सम पीपल वेयर स्विमिंग, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना. तो देर आर डी.
एंड जस्ट अभी घर पहुंचे हैं एंड माई स्टफ आई एम स्टिल कैरिंग इन माई हैंड। तो मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होने पे आई थिंक इट इज 1% शो कर रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसे चार्ज में लगाते हैं एंड चाय बनाते हैं एंड फिर आप लोगों से मिलेंगे। बहुत जरूरी बात चीज थे, मैंने बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर लेडीज के लिए, मिस नहीं कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो जस्ट हम यहाँ चार्ज पे लगाते हैं, मिलते हैं इन अ व्हाइल। दिस इज माई टी रेडी। और वहां से आने के बाद सबसे पहले मोबाइल चार्ज में लगाए, उस समय 7% था। वो जब हम शूट कर रहे थे ना, एटवंस जब देखे थे तो इट अपीयर टू बी 1%, बट 1% नहीं था। देयरफॉर आई वाज थिंकिंग कि 1% में तो वीडियो बिल्कुल चलेगा नहीं, इट वाज एक्चुअली 7% था। एंड फिर चार्ज में लगाए एंड देन ये देखिए हम अपनी ड्रेस भी चेंज कर लिए हैं। आई थॉट कि आज ये पहनते हैं एंड दिस इज माय टी। तो आप लोगों को बताए थे ना कि नीचे रेस्टोरेंट है, बुटीक है एंड वी हैव ब्यूटी पार्लर आल्सो एंड स्विमिंग पूल भी है। तो लेकिन आप ये कप यहाँ रख दे या, लेकिन क्या है ना कि वहां पे जब हम शूट करने गए ना, तो देयर वाज सो मेनी पीपल, फ्यू पीपल थे वहां पे बैठे हुए। तो आई डिडंट फील कंफर्टेबल कि हम शूट करें, बिकॉज अगर पब्लिक प्लेस रहता तो डेफिनेटली आई हैव वीडियो तो डेफिनेटली बनाते पब्लिक प्लेस में। बट देन सिंस ये मेरा ही नेबरहुड है ना, जितने लोग हैं प्रॉब्ली मेनी ऑफ देम आई नो, तो आई डिडंट फील कंफर्टेबल इन शूटिंग दिस प्लेसेस। तो ठीक है, चलिए आप लोग समझ ही जाइएगा। या तो व्हाट आई डू, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं, वेरी इसेंशियल लेडीज इनर वियर फॉर विंटर्स, मिस मत कीजिएगा, दिखिएगा जरूर। लेट मी सेट माई कैमरा एंड देन उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। या आई हैव जस्ट सेट द कैमरा एंड आप लोगों से बोले थे ना कि बहुत इसेंशियल लेडीज इनर वेयर आप लोगों को बताएंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट विंटर के सीजन में, दैट इज वेरी इसेंशियल। तो विंटर में क्या होता है ना कि हम लोगों की लेडीज की ना, सिंस इट इज वेरी कोल्ड, हमारे निपल्स विजिबल हो जाते हैं जो कि बहुत ऑड लगता है, खुद को भी ऑड लगता है एंड सामने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हाउ टू हाइड इट। तो अगर साड़ी पहनते हैं तो चलो आंचल से हम लोग कवर कर लेते हैं, सलवार सूट पहनते हैं तो दुपट्टा से कर लेते हैं। लेकिन देयर आर मेनी टाइम्स की जब हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, लाइक सलवार सूट पहनते हैं, लाइक ड्रेसेस लाइक टी शर्ट पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं एंड ऑल दैट, तो ऐसे सिचुएशन में ना कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एंड वी आर जो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है हाउ टू हाइड इट। तो फिर अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रेसेस थ्रू आउट विंटर पहनते ही नहीं है, बिकॉज फिर खुद अनकंफर्टेबल लगता है, कुछ भी विजिबिलिटी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे ही हाइड करने के लिए आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट दिस इज निपल सिलिकॉन पैड। ये देखिए, दिस इज निपल सिलिकॉन पैड, ये सिलिकॉन का बना रहता है एंड इसे यूज करना बहुत ही ईजी है, स्पेशली विंटर के लिए है। तो ये पहन लेने से, हम अब खोल कर दिखाते हैं, पहन लेने से अपने ब्रा के ऊपर अपने पहन लीजिए, निपल के ऊपर पहन लीजिए, उसके ऊपर से ब्रा पहनिए एंड विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। नाउ दिस इज इट, ये इस तरह से होता है, देखिए दिस इज साइज में आता है। ये हम खोल कर दिखाते हैं आप लोगों को, ये इस पर हम एक वीडियो बनाए हैं, अलग से वीडियो बनाए हैं। तो इस वीडियो के एंड में आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताए हैं, अभी तो जस्ट शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये देखिए, दिस इज सिलिकॉन निपल पैड, ये सिलिकॉन मटेरियल का बना रहता है, बहुत सॉफ्ट होता है एंड ये प्लास्टिक में रैप रहता है। तो इसे पहनना बहुत ही ईजी है, ये जो प्लास्टिक है ना, इस तरह से जो प्लास्टिक है ना, इसे आप इस तरह से खींच करके जस्ट पुल इट आउट एंड इसे प्लास्टिक हटा करके आप अपने निपल के ऊपर पहन लीजिए, उसके ऊपर ब्रा पहनिए। तो सिंस इसमें स्टिकी मटेरियल होता है तो ये ना स्टिक हो जाता है, वो हिलता नहीं है। बट क्या होता है ना कि किसी लेडीज को स्किन इज वेरी सेंसिटिव ना, दे आर वेरी एलर्जिक टू एनीथिंग, तो ऐसे में ना कि आपको ये प्लास्टिक हटाने की जरूरत नहीं है, आप विथ प्लास्टिक इसे पहन लीजिए एंड उसके ऊपर से ब्रा पहनिए। सिंस ब्रा टाइट होता है तो ये अपनी जगह से हिलता नहीं है एंड इट रिमेन्स इन इट्स प्लेस एंड बिल्कुल इंटैक्ट रहता है एंड विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है। सो दिस ये अब नहीं होती है एंड इसे एवरीडे यू कैन यूज इट एंड लेकिन इसमें जो स्टिकी मटेरियल है ना, अंदर जो स्टिकी मटेरियल है दैट इज वेरी हाइजीनिक, बहुत हाइजीनिक वे में बना रहता है। जनरली एलर्जीज होते नहीं है, बट देन सम वेमेन इफ दे आर वेरी ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन एंड ऑल दैट, तो वो लोग विथ प्लास्टिक पहन सकती है एंड यू कैन यूज इट एवरी डे एंड देन इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो ये प्लास्टिक आप हटा दीजिए एंड इसे क्लीन कीजिए, एटलीस्ट 5-6 बार आप यूज कीजिए एंड देन वॉश इट ऑफ। एंड वॉश करने के लिए बहुत सॉफ्ट डिटर्जेंट यूज कीजिएगा, लाइक शैम्पू, आई थिंक शैम्पू वुड बी बेस्ट बिकॉज बहुत सॉफ्ट मटेरियल है ना। तो शैम्पू से वॉश कीजिए एंड ये हटा करके, शैम्पू प्लास्टिक हटा के
शैम्पू से वॉश कीजिए और घर के अंदर ही ड्राई कीजिए। धूप में ड्राई करने से क्या होगा कि मे बी बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट, हो सकता है कि सन में हार्ड हो जाए मे बी, तो इसे आप अंदर ही साफ कर लीजिए। और जब ये ड्राई होगा ना तो इसका जो स्टिकी मटेरियल है ना, ये जो स्टिकी मटेरियल जो दिख रहा है ना, अभी आप लोगों को फील हो रहा है जो स्टिकी मटेरियल, वो लगेगा कि वो डिसअपियर हो गया है एंड ड्राई हो गया है। लेकिन जब ये पैड जब ड्राई होगा ना तो ये स्टिकीनेस विल री अपियर, वो फिर से वापस आ जाएगा। पता नहीं ये कैसे होता है या तो अगर तो है ना, बहुत ही यूजफुल चीज़ है। तो ये है सिलिकॉन निपल पैड, ये आपको किसी भी लॉन्जरी के शॉप में मिलेगा, जहाँ लेडीज के अंडर गार्मेंट्स की जो शॉप होती है, ब्रास पैंटीज पेटीकोट वगैरह, स्पेशली लॉन्जरी शॉप जो होती है उसमें मिलेगा। एंड कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट कितने का है आई टेल यू, देखिए यहाँ पे कॉस्ट लिखा था, ये मिट गया है, आई थिंक 350 या 400 मिलेगा, मे बी उससे भी कम मिल सकता है। यहाँ पे मेरी स्टिकर ही हट गई, बट आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है इट वॉज फॉर 350 और समथिंग, लेकिन कुछ भी होगा तो ये अंडर 500 मिलेगा ही। तो ये है ना बहुत ही अच्छा सिलिकॉन निपल पैड, जो अब आप इसे यूज कीजिए एंड बी फ्री एंड एंजॉय। यू आर नॉट कंफर्टेबल, कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा, एंड यू आर कंफर्टेबल, या तुम आप भी कंफर्टेबल रहिए, अदर्स भी कंफर्टेबल रहेंगे, फील कॉन्फिडेंट। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या होल डे यू नो एसी एनवायरमेंट में रहना पड़ता है, तो वहाँ भी इट इज़ वेरी यूजफुल, यू कैन वेयर इट एवरी डे एवरी डे एवरी डे, यस। तो है ना बहुत ही सिंपल, तो इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। जब आपको लगाना यूज़ करना है ना, तो इसे यूज़ करने के बाद दिन भर तो घर में तो फिर ज़रूरत नहीं रहती, इसे वापस इसमें रख दीजिए। और जब आप कहीं जा रही है ना, तो इतना कौन इतना सारे चीज़ को लेकर जाएगा, तो बहुत चीज़ें टिश्यू पेपर में रैप करके अपने पर्स में डाल लीजिए, या नहीं तो आप यू कैन वेयर इट अगर बहुत ठंडी जगह है। तो है ना ये बहुत ही अच्छा निकल सिलिकॉन पैड, ये देखिए निपल सिलिकॉन पैड, ये बहुत ही अच्छा, जरूर लीजिए। विंटर की सीजन आर विंटर हैज ऑलमोस्ट अराइव्ड, तो अभी हिल स्टेशन वगैरह में तो ठंड हो ही गई है, तो इसमें हम वीडियो बनाए हैं, ओके, तो वो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आई बटन में भी हम वीडियो डाल देंगे, जरूर देखिएगा, जस्ट चेक इट आउट दिस वे। तो दैट्स ऑल यही बताना चाह रहे थे, एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस ये पहन करके, यू नो हस्बैंड का गिफ्ट है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई थिंक मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आई डोंट नो कितना लंबा होगा, क्योंकि बहुत आप लोग बाहर की टूर कराए हैं एंड सो एंड सो एंड ऑन, फिर ड्रेस भी दिखाया, थोड़ी सी शायद रेसिपीज भी शेयर किए हैं, तो आई थिंक आई शुड एंड माई वीडियो हियर। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, और मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी किसी अगले वीडियो में। बाय, आई लव यू, टेक केयर।